क्या कलयुग खत्म हो रहा है? कलयुग तो 4,32,000 का है और अभी 5,000 कुछ वर्ष ही हुए हैं, जिसमें से प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित ने जब कलयुग को पहली बार देखा था, तो ये पांडवों के वंश के हैं लास्ट राजा, राजा परीक्षित, तो उन्होंने कलयुग से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि तुम तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो उसमें दिखाया था कि वो एक बैल है उसको बहुत मार रहे हैं, उसको धर्म का प्रतीक दिया गया था, एक गाय है उसको धरती का प्रतीक दिया गया था, और उसमें वो सब बता रहे कि एक बहुत क्रूअल व्यू उन्होंने देखा था। तो उन्होंने देखा था कि ये समय तो आना ही नहीं चाहिए, अगर एक ऐसा समय आने वाला है, इतनी क्रूअल्टी होने वाली है, तो मैं तुमको अब आज ही मार देता हूँ। तब उन्होंने बोला था कि मुझ में बहुत अवगुण है, पर एक बहुत अच्छा गुण है मेरे अंदर कि इस ऐसे टाइम में भगवान को प्राप्त करना बहुत ईजी होगा, जिसका नाम है कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप। इसलिए मेडिटेशन में मंत्रों का नाम आया, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, ये सिर्फ एक तो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा हरे राम, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, सिर्फ भगवान का नाम है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। तो कलयुग का सबसे अच्छा चीज़ माना गया था कि आप सिर्फ नाम जप करेंगे और आपको बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे।